बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आपका टीचर अभिषेक चौहान आपके लिए ले आया हूँ जीके जीएस की क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट टू। ये हमारी बैंकिंग ऑफलाइन क्लासेस है, बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स ऑफ मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी टील्स सिलेक्शन, फ्री मॉक इंटरव्यू 10 डेज, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस, डेमो क्लासेस फॉर 3 डेज। थर्ड जगह है ये, थर्ड फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वेयर, नागपुर। 8080515897956628966। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, जब भी आपको यहाँ पर क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करना है आप कभी भी यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो क्लासेस 3 डे है और हमारी एक स्पेशल बैच भी यहाँ पे चालू हुई है, तो उसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लोएस्ट फीस है इन यहाँ नागपुर। नेक्स्ट लेंगे और हम चालू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट। पहला भाग आप देख चुके हैं, अभी मैं लाया हूँ दूसरा भाग। ये जो भाग है ये हम लाए हैं 19 जब यहाँ पर भारत में कैबिनेट मिशन आया था, किस तरह से यहाँ पे संविधान बनी है और संविधान निर्माण का हम पूरा प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या, उसके बाद 1935 का एक्ट आया था, 1909 का अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम आया था। सभी अधिनियम आने के बाद जब भारत की स्वतंत्रता की बात हुई तो भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने और सभी ने, इंडियन कांग्रेस ने यही कहा था कि आप अगर हमें स्वतंत्र कर रहे हो तो हमारे लिए एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। क्या बना दिए? मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ से ये हुआ था तो हम पढ़ते हैं और आगे की स्लाइड से। भारतीय संविधान सभा, सबसे पहले हमारे इसमें आ रहा है कि भारतीय संविधान सभा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे है भारतीय जो हमारे संविधान सभा है इसके बारे में कि भैया इसका विस्तृत वितरण क्या, इसके लिए आया था सबसे पहले कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिनिस्टर की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ। सबसे पहले आपको पूछते हैं एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का। तो ये है आपका 1946, इसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान बना है, जिसमें 3 लोग थे। एक थे कैबिनेट मिनिस्टर सदस्य थे सर स्टोफिट क्रीम, तो ये है हमारे सर स्टोफिट क्रीम्स, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो ये हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, कहते हैं ए बी अलेक्जेंडर यहाँ के सचिव थे। इस कैबिनेट मिशन के सचिव कौन थे? तो ए बी अलेक्जेंडर। तीनों चीज को ध्यान में रखो, आपको क्वेश्चन ये आएगा एसएससी में पूछेगा कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया उस समय भारत में क्या बोलते हैं कितने 3 लोग कौन थे, उनका नाम क्या। पहला है स्टोफिट क्रीम, दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरा है ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, कैबिनेट में। और उसमें सचिव कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर। भारत के लिए एक संविधान हो इसकी मांग पहले ही 1924 में कौन से इसमें कर दी गई थी, स्वराज पार्टी ने। किसने करा था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जनक कौन है? तो इसके जनक है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और प्लस कौन है, चित्रंजन दास, चित्रंजन चित्रंजन दास, ये स्वराज पार्टी के फाउंडर है। और इन्होंने 1924 में ही बोल दिया था कि भारत के लिए क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, भारत के लिए क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। कब बोला था? 1924 में, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किस पार्टी ने कहा था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ये वो थी स्वराज पार्टी। उसके फाउंडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास। समझ में आ गया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? स्टिफिट क्रॉपेस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946। इतना समझ में आ गया है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, यानी उस समय संविधान सभा की कुल सदस्य कितनी निश्चित हुई? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, जहां जहां पर अंग्रेजों का राज था उतने प्रांतों से 292 आए। 4 चीफ ऑफ कमिश्नर के क्षेत्र से आए, जो हमारे कमिश्नर क्षेत्र थे उनमें से आए, और 93 देशी रियासतें थी। देशी रियासत में राजे, रजवाड़े, नवाब, इन्हें देशी रियासतें बोलते हैं। उस समय कितनी थी? 93। अच्छा, एग्जाम का क्वेश्चन ये है, ये विभाजन के पहले है, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले की सदस्य संख्या है, तो कितनी है? 389 निश्चित की गई थी, और 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ ऑफ कमिश्नर प्रतिनिधि से और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
मिशन योजना के अनुसार यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, 389 सदस्य हुए, अभी भी बता रहा हूँ कितने सदस्य हुए, 389, ये विभाजन के पहले का। में प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ जिनमें विभिन्न प्रांतों में विधानसभा द्वारा चुनाव किया गया, इसमें कांग्रेस को 208, एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का कि पहली बार जब चुनाव हुआ था विभाजन के पहले तो कांग्रेस को कितने सीट मिले थे, 208। मुस्लिम लीग को मिले थे 73, अन्य दलों को मिला था 15, बट ये अन्य दल भी यहाँ पर कांग्रेस पे ही जुड़ना चाहते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा बहुमत किसको था, कांग्रेस का था, और कांग्रेस ही संविधान बनाना चाहती थी। ये मुसलमानों को हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी सीट कितनी आई है, 73। इसी के आधार पर पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी डेट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ, यानी भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का भविष्य निश्चित हो रहा था कि हमारा भारत किस तरह से होगा। ये वो डेट है जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख हुई, तो वो बैठक थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई, और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यही वो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन आईएमपी, किसे भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इन्हें भारत का उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी संविधान सभा का, भारत का नहीं बोलेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, ऑब्वियसली यार तुम्हारी 73 टिकट वो आएगी सीट तो तुम तो बहिष्कार करोगी, ठीक है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ की, अब हर आया हुआ आदमी का वही होता है, आपकी 73 सीट आई तो आप तो मांगोगे, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हुई, ये एसएससी का क्वेश्चन है, किसका है, एसएससी का क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत थी, तो वह हैदराबाद की, एसएससी ने पूछ चुका है ये, ठीक है। और इसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था, भारत का अभिन्न अंग बनाया था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, जो 389 सदस्य है में जो एक सदस्य है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके आ रहा था, कितने लोग आ रहा था, यानी 10 लाख का वोट लेके आ रहा था, आबादी के स्थान पर आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य तीन प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया, यानी कितने आधार पर किया गया था, समुदाय थे मुस्लिम सिख और साधारण, तीन आधार पर किया गया था, मुस्लिम सिख और साधारण। नेक्स्ट है, अब है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन आता है इसमें, रेलवे भी पूछ चुकी है, एनटीपीसी भी पूछे, दादा एक समिति बनी थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम का क्वेश्चन आईएमपी कि प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो मैं इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना चिल्लाएगा, तो उन्हीं के आधार पर, और आज मैं अगर कहूँ तो उनके बारे में जितना बोलता हूँ तो कमी है, और भारत के बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से शिल्पकार कहा जाता है उन्होंने, जिन्हें आकार देने का कहा गया है, जिन्होंने आकार दिया है, तो उन्हीं को बोलेंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, इसीलिए एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधित परमाश्रय सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय जो संबंधित संसद समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के दो उप समितियां थी, पहले थे मौलिक अधिकार उप समिति जेके कृपलानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहते हैं आजादी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आपको पूछते हैं कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी, ये कांग्रेस समिति, जब मैं कांग्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अल्पसंख्या उप समिति में श्री मुखर्जी, ठीक है, आगे लेते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर हुआ था, कौन कौन से था, पहले था 217 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख।
संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अनुसूचित जाति ने एससी एसटी, ठीक है एसटी बोल सकते हैं एसटी। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या मात्र 15 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय महिलाएं कितनी थी, 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वो क्यों हुई, क्योंकि मुस्लिम ने क्या करा था, उसका विरोध किया था। इसके बाद जो दूसरे स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। एग्जाम का क्वेश्चन देखो दो आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि स्थायी अध्यक्ष से कहा गया, स्थायी अध्यक्ष कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष क्या है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा का कार्यवाही जो प्रॉपर जो चालू हुई है वो 13 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईएमपी, प्रैम्बल किसने पेश किया या उद्देशिका किसने पेश किया, तो उद्देशिका प्रस्तुत किया है किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने पेश किया है उद्देशिका, पंडित जवाहरलाल, कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका है जिसे हम प्रैम्बल कहते हैं, के आधार पर हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये सब बता चुका हूं मैं, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। नेक्स्ट है बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी जो इस प्रकार थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। दूसरे थे गोपाल स्वामी अय्यर, ये है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव और टी पी खेतार, ये कुल मिला के 7 सदस्य थे। कितने थे, 7। 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था। अच्छा एग्जाम का ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा माधव राव भी आए थे बी एल मित्र के स्थान पर, डॉक्टर पी खेतान, इनके इनकी मृत्यु के बाद कौन आए थे, डॉक्टर कृष्ण कर्मचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में आंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से हुआ था, बंगाल से। एग्जाम का क्वेश्चन है कि बी आर आम्बेडकर का निर्वाचन, जैसे 389 सदस्य थे तो उसमें बी आर आम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से, बट विभाजन के बाद मुंबई से, ये भी बात ध्यान में रखना। देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर का, अब मैं ये बोलूंगा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का, उनका निर्वाचन कहाँ हुआ, बंगाल से हुआ। उसके बाद और विभाजन के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947, ये कभी दिन भूलना मत, काला दिवस बोलते हैं इसको एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। योजना के अनुसार किसे, मिशन माउंटबेटन योजना, विभाजन किस योजना के बाद हुआ, यानी आपको एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत, किस योजना के तहत हुआ है, माउंटबेटन योजना के अनुसार बंटवारा हुआ। और हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या अब 324 हो गई, जिसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासतों के लिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा की महिला सदस्य, मैंने बताया था कितनी थी, टोटल मिला के 15 महिला थी। इन सभी के नाम हो सकता है एग्जाम में पूछे, अम्मा स्वामीनाथन, एनसी मेस्क्रिनी, बेगम एजाज रसूल, दशानी वेलुदून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, मेरे ख्याल से ये राजकुमारी अमृता कौर है, और इन्हें क्या बोलते हैं,
ये हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, ऐसा सुचिता कृपलानी, ठीक है। उसके बाद सरोजिनी नायडू तो पहली देश की राज्यपाल है, ठीक है, और सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री है ये उत्तर प्रदेश की थी, और विजय लक्ष्मी पंडित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। केबीसी का क्वेश्चन था कि विजय लक्ष्मी पंडित आखिर किसकी बहन है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, और कहते हैं ये यूएनओ की पहली महिला सदस्य भी है भारत की, तो विजय लक्ष्मी पंडित इनका क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा की ये हमारी पहली 15 महिला थी जिनके नाम मैंने आपको बताया है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल, जबकि कैबिनेट मिशन भारत में आया तो एक दो को दो मंत्रिमंडल बना था। अब वैसे देखा जाए तो एक बना था 1945 में और एक आजादी के बाद बना था, और एक बना था, जरा सुनो, चुनाव के बाद 1950 और 51 में भारत के पहले लोकसभा के चुनाव हुए, तो उन्हीं को देखना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1945 का है, तो इसमें पहले जवाहरलाल नेहरू थे ये कार्यकारी अध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रीय मंडल, और वल्लभ भाई पटेल पर गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री था, बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति थे, श्री राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, ठीक है। ये अरे कैबिनेट मिशन स्वतंत्रता के बाद वाला नहीं है, कैबिनेट मिशन में फिर थे सी सी भाभा थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, देखो भारत का विभाजन होने के बाद भी कुछ मुस्लिम हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हुए, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, आई आर जुगर वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल रब नश्तार संचार मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, गजेंद्र अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 होगी, देशी रियासतों की सदस्य संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई, देश विभाजन के बाद 3 जून 1947 के बाद। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SSC का क्वेश्चन है कि उन्हें कब सबसे पहले प्रारूप समिति ने कोशिश की थी, तो 21 फरवरी 1948 संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन यानी पहला सारांश जब हम पढ़ना शुरू करा गया, कौन सा था, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 तक पढ़ा गया। संविधान सभा का दूसरा वाचन काफी लंबा था, 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1945 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो SSC का क्वेश्चन है, 2015 से नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चालू चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के सदस्य 284 सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा संविधान हमारा पूरा तैयार हो गया था उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे, 284। रेलवे NTPC का क्वेश्चन है, रेलवे NTPC का यह क्वेश्चन है कि उस समय कितने सदस्य थे, 284 सदस्य थे। नेक्स्ट लेंगे, अब नया मंत्रिमंडल बना, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, कई इससे क्वेश्चन आते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय मंडल थे, विदेशी मामले इन्हीं के पास थे, वैज्ञानिक शोध भी इन्हीं के पास थे, आज भी नरेंद्र मोदी के पास ही है, विदेशी मामले छोड़कर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमारे पहले गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से थे, गृह मंत्री भी थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, मौलाना अब्दुल आजाद शिक्षा मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस मनाते। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री का जनक भी मानते, यानी इस तरह से भारतीय इसमें माना जाता है जॉन मथाई, ये पहले थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री कानून मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार पटेल रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह कौन थे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये हमारे रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, ये हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद खिदवाई संचार मंत्री, R. पशुपति शेट्टी वित्त मंत्री,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन है, इन्होंने ये पहले थे जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। आपका एग्जाम क्वेश्चन है कि किसने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। कौन से थे ये? एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार के मंत्री थे? उद्योग और आपूर्ति के मंत्री थे। वी एन गाडगिल ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया जिसके सचिव बीपी मेनन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी का भी क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था कि किन्हें रियासतों को एक करने के लिए बनाया गया था? बीपी मेनन को, तो बीपी मेनन ये है। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान बनाने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई? 114 दिन यानी बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 83,86,96,729 व्यय हुए। 64 लाख ही पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली, लेकिन पूरा पैसा इतना ही था। संविधान सभा में 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जिसमें कुल 22 भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग है, अभी भी है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, पहले थी, अभी इसके बाद क्या है, वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां यानी 4 अनुसूचियां बड़ी है। संविधान सभा में कुल अनुच्छेदों में से 15, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 ये जितने भी कलमे हैं इन्हें लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1950 को प्रवृत्त कर दिया गया, यानी उसी दिन इन सभी कलमों को क्या कहता है, लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब ये भी कारण बहुत ऑथेंटिक है क्योंकि ये देखो हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1950 को, किंतु जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने लाहौर में 26 जनवरी 1950 को एक क्या बोलते झंडा फहराया था भारत का, और उसी दिन से स्वतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। इसी के वजह से उन्होंने कुछ महीने डिले कराया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करा, ठीक है, प्रॉपर दिस। इसीलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है, क्या होता है, 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, याद रखना आईएमपी है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया। उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति किस तारीख में चुने गए? संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 में आम चुनाव हुए। देश के पहले आम चुनाव कब हुए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देश के आम चुनाव कब हुए? पहले चुनाव 1951 में हुआ, के बाद बनने वाली के बाद नई संसद के निर्माण तक भारत का आंतरिक संसद के रूप में काम किया गया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया है। सबसे पहले 1949 में यानी क्या है, ये कॉमनवेल्थ के सदस्य बने, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगणमन, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे गाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश के लिए हमारा गाया हुआ है अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश के लिए 1905। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है, ये उनका तारीख है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लोगों तक फैलाएं, ठीक है, गांव गांव तक फैलाओ, मैं तो यही बोलूंगा, सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, आपसे सब्सक्राइब भी मांग रहे, बाकी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे उसमें कुछ कमी आती है तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, धड़ाधड़ शेयर कीजिए।